हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा पिछड़े वर्ग को बीजेपी के साथ जोड़ने के लिए वर्चुअल संवाद कर रहे हैं। हिसार में रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेता सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। हिसार में रणबीर गंगवा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी महेश कुमार ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन एक तरफ जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरी दुनिया को योग के जरिए जोड़ने का काम किया गया, उसके अलावा सूर्य ग्रहण को लेकर भी जो आयोजन है, तमाम आयोजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही आयोजित किए गए। इसी के साथ ही पिछड़ा वर्ग के जो संवाद कार्यक्रम है वो भी भारतीय जनता पार्टी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा विधानसभा में डेप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा जी। मुझे ये बताइए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पिछड़ा वर्ग को आज जोड़ने का काम किया गया है, किस तरीके से वर्चुअल संवाद आज किया गया? देखिए, जैसे जो कोरोना महामारी है इसमें हम कोई भी मीटिंग नहीं बुला सकते, कोई लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, और लोगों से संवाद बना रहे इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल संवाद की एक सिस्टम बनाने का काम किया है। हमारे जो अलग अलग मोर्चे हैं उसकी और मोर्चों के अलावा हम हल्के वाइज भी इसको ले जाने का काम कर रहे हैं। अलग अलग हल्के वाइज बात करें, अलग अलग नेताओं की ड्यूटी लगी है। आज मेरी ड्यूटी मुख्य वक्ता के तौर पर जिला हिसार और भिवानी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की थी। हमने जो तमाम जो अब तक जो हमारी जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसने जो एक साल अभी पूरा हुआ है उसमें क्या क्या काम किए, जो जो ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय इस एक साल में लिए, चाहे वो धारा 370 समाप्त करने की बात है, चाहे वो 3 तलाक को समाप्त करने की बात है मुस्लिम बहनों के लिए, चाहे वो CAA एक्ट बनाने की बात है, चाहे राम मंदिर निर्माण का रास्ता जो है वो साफ करने की बात है। आज जो है राम मंदिर निर्माण का जो हिंदुओं का आस्था का केंद्र था और तमाम लोग ये चाहते हैं कि जहां रामलला का जो जन्म हुआ है वहां पे वो बनना चाहिए, ये तमाम चीजें इस एक साल के अंदर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हुई, जो ऐतिहासिक और फैसले लेने का काम किया। इसके साथ साथ जो इस कोविड के टाइम पे जो कदम उठाए और क्या आगे सरकार जो करने जा रही है, उन तमाम मुद्दों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, हमारे जो मोर्चे के लोग हैं उन तक पहुंचाने के लिए हमने वर्चुअल संवाद रखने का काम किया। और इससे हम लोगों से जुड़ते भी हैं, लोगों से पूछते भी हैं कि वो इसमें क्या अपनी राय रखते हैं। तो एक लोगों से सीधा जुड़ने का, संवाद रखने का इस कोरोना महामारी के टाइम पे एक इस टाइप का सिस्टम बनाने का काम हमने किया है। हरियाणा की पहली डिजिटल रैली हरियाणा जन संवाद रैली का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। उसी वक्त कुमारी शैलजा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष वो ये बात सामने रख रही थी कि इससे आगे हरियाणा में सब कुछ वर्चुअल ही रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी काम जमीन पर नहीं है, जो कुछ है वर्चुअल है। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, मुझे हैरानी होती है इन लोगों के ऊपर इस टाइप के जो बयान देते हैं। इन्होंने केवल और केवल जो है अपनी राजनीति करने की काम करना, इन्होंने तो केवल आलोचना के लिए करनी है। अगर इसके ऊपर इसको ये चाहिए था कि इस कोरोना के टाइम पे भी लोगों से संवाद करने के लिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सीधे संवाद करने के लिए वर्चुअल का एक रास्ता निकाला है, वर्चुअल चाहे वो रैली करके वर्चुअल संवाद करके लोगों से राय मांगी जा रही है, लोगों को सरकार क्या चाहिए वो बताने का काम कर रही है, किस तरीके से हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, किस तरीके से हमें एहतियात रखना है और क्या क्या सुविधाएं हमें देना है, क्योंकि आज जो महामारी आ गई हमें इसके साथ साथ रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, इसके लिए तमाम ये कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग तो केवल और केवल आलोचना करनी है। मैं तो कहता हूं सारी पार्टियां करें, वो भी करें अपने लोगों से, अपने लोगों को बताने का काम करें। ये लोग तो जहां देश की सुरक्षा होती है उसमें भी जवाब मांगने का काम करते हैं। साफ तौर से जनसंवाद की बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सामने रख रहे हैं, वो साफ ये कह रहे हैं कि जनता की उम्मीदों को समझने का काम कर रहे हैं, अब तक जो कुछ हमने किया उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी अगर इस तरीके के बयान सामने दे रही है तो साफ तौर से वो सिर्फ विरोध के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, सिर्फ जनता के बीच विरोध की तस्वीर वो जाहिर करना चाहते हैं। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।